जसवीर कृष्ण चैनल पे आप सब बहनों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आपकी फरमाइश पर हम ये बच्चों की एक साल की लेगिंग लेके आए हैं। इस लेगिंग को कैसे बनाना है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने बॉर्डर से लेके जहां तक फंदे बढ़ाए थे वहां तक हमने बता दिया है। आगे फंदे कितने रखने हैं और कितने कटाने हैं वो हम बताएंगे। और दूसरी बात, इसकी लेंथ कितनी रखनी है, आसन कितना रखना है वो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी ये जो पैंट है इसकी टोटल लेंथ 15 इंच है। ये देखिए 15 इंच टोटल लेंथ है इसकी, और 15 इंच बनाकर 7.5 इंच नीचे को आएगी। 7.5 नीचे है, 7.5 ही ऊपर है, ठीक है। तो इसको जहां फंदे अब घटाई कैसे डालनी है वो हम बताने जा रहे हैं, और इसमें जो डोरी डलेगी वो हम बताएंगे कैसे डलेगी। तो इसको कैसे आगे से स्टार्ट करना है और कैसे पीछे से, और कैसे इसकी सिलाई करनी है, सिलाई हमने कैसे करनी है वो हम बताएंगे जरूर आपको। क्योंकि अगर सिलाई अच्छी होगी तो फिनिशिंग आएगी और बच्चे को पहनी हुई बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए फ्रेंड, इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं और कितने आगे फंदे कम करने हैं वो बताने वाले हैं। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये सेकंड पार्ट आप देख लीजिए, इसमें हम फुल फाइनल कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। जी देखिए फ्रेंड, हमने ये पूरा पीस बना लिया है जहां से हमने जो इसकी कटाई की थी। और ये कटाई करने के बाद हमारे जब डिजाइन को एडजस्ट किया तो हमारे 62 फंदे हैं। हमने बोला था कि 60 फंदे आएंगे, लेकिन 60 फंदे नहीं आएंगे, 62 फंदे आएंगे। और जे हमने 5 फंदे ही कम किए हैं तो फिर 60 फंदे थे, तो हमने 62 फंदे आसन के कर लिए। क्योंकि हमने आपको दिखाया था कि जहां हमने डिजाइन नहीं डाला है ना, जहां पे जैसे ये डिजाइन तो बराबर जो देखिए आ रहा है ना, फिर हमने जहां पे थोड़ा सा डिजाइन दे दिया कि खाली ना लगे, है ना। तो जब हमने जहां डिजाइन दे दिया तो फंदे कम किए, फिर यही डिजाइन ऊपर भी आना चाहिए था। तो हमने फिर पता क्या किया, हमने 2 फंदे घटाए नहीं है, एक इधर से एक इधर से, 62 फंदे रखे हैं। जो 62 फंदे हैं टोटल, और 62 फंदों पर हमने ये डिजाइन बनाते हुए इसकी लेंथ हमने बना ली है। तो इसकी लेंथ हमने आपको बताई थी कि हमने 6.5 इंच लेंथ रखी थी। जी 6.5 इंच लेंथ रखी थी, तो हमने जहां से फंदे बढ़ाने स्टार्ट कर दिए थे। जब ये फंदे बढ़ गए और आसन भी बन गया और पूरी टोटल हमारी अब ये लेंथ हो गई है 12.5 इंच। जी देखिए 12.5 इंच लेंथ है, इतनी इतनी लेंथ हो गई है इसकी। अब हमने क्या करना है, हमने दूसरा पीस भी बनाना है सेम। जब हम दूसरा पीस बना लेंगे उसको फिर इसके साथ अटैच करेंगे। तो हमने साइड में सेम दूसरा पीस भी बना लिया था। ये देखिए 2 पीस बन गए ना, ये 2 पीस बन गए। सेम पीस बनाया है, सेम फंदे रखे हैं, सेम डिजाइन डाला है। और जब ये पीस बन गया अब हमने इसको क्या करना है, अगर फोल्ड करके दिखाएंगे हम आपको, ऐसे फोल्ड होएगा ना अपना पूरा लेंथ विड्थ सब बताएंगे आपको। जैसे ही हमारे पूरे डिजाइन हो गए और जहां से हमने कम किया है तो हमारा आसन जो है वो आता है जहां से हमने कम किया है 5.5 इंच आसन आता है, 6.5 इंच नीचे है, और बीच में हमारा 1 इंच, 1 इंच का जे बढ़ाई जो हमने दी है, बढ़ाए हैं फंदे, वो 1 इंच है। तो 5.5 और 6.5 12 12.5 आधा इंच का जी है। जी देखिए 1 इंच का, एक 1.5 इंच लगा लीजिए। तो ऐसे आपने ये दोनों पीस बना लेने हैं। जब आपके दोनों पीस बन जाए फिर आपने क्या करना है, फिर हमने पूरे फंदे उठा लेने हैं और ऐसा बॉर्डर बुनना है जैसा एक सीधा एक उल्टा, और हाफ बॉर्डर बुनकर इतना ही बॉर्डर बनाएंगे 2 इंच का, 2 इंच का बॉर्डर बनाकर हम जब हाफ करेंगे तो हाफ में हम डोरी डालने के लिए जाली डालेंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पे।
तो हमने सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके पास जे वाली सिलाई है तो इससे बना लीजिए, क्योंकि हम जहां जोड़ डालेंगे पीछे राउंड में नहीं डालेंगे, तो जहां से फंदे हम इकट्ठे ले लेंगे कैसे वो हम आपको बताएंगे। अगर आपने ओनली टू सिलाई पे बनाना है तो टू सिलाई पे भी आप बना सकते हैं। कैसे, अब जैसे डिजाइन कंप्लीट हो गया है, लेंथ भी बढ़ गई है, तो हमने क्या करना है, हमने एक सीधा फंदा बुनना है, उल्टा सीधा उतारा, उल्टा फंदा बुना, फिर एक सीधा फंदा बुना, फिर उल्टा फंदा बुना, फिर सीधा, जी हमारा फंदा गिरा हुआ है। तो हमने क्या करना है, एक उल्टा और एक सीधा ऐसा बॉर्डर रेडी करना है, इसके ऊपर ही सीधा और उल्टा, तो ऐसे हम बनाते हुए जाएंगे पूरा जितनी हमारी लेंथ है। 60 फंदे हैं तो 60 ही फंदे ऐसे बॉर्डर के बुनेंगे, ठीक है। और हम जहां तक बुन के दिखाते हैं, इसको जॉइंट करना है। ये देखिए फ्रेंड, जैसे हमारा जे उल्टा फंदा आया है, सीधा उल्टा बुनते हैं तो हम अब सीधा फंदा बुनना है, क्योंकि पहले सीधा फिर उल्टा, अब सीधा फंदा बुनना है तो हमने जे वाला फंदा सीधा बुनना है, ऐसे साथ में जोड़ लेना है इसको, और आगे उल्टा बुनना है, सीधा बुनना है। तो हम बॉर्डर को कंटिन्यू करेंगे, लास्ट में देखेंगे कि हमारा कैसे आता है, अगर जहां सीधा आया है तो वहां उल्टा आना चाहिए। तो ऐसे हम बॉर्डर को बुनते जाएंगे, जे हमारा जोड़ बन गया है, और जे वाला थ्रेड जितना हमें चाहिए सिलाई के लिए उतना रख लेंगे बैक की सिलाई के लिए, बाकी हम काट देंगे। तो हम इसमें पूरी सिलाई बॉर्डर बुनेंगे और लास्ट में देखते हैं। जी देखिए, लास्ट में हम आगे हैं, तो हमारा जो फर्स्ट वाला फंदा था वो हमने सीधा बुना था, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, अगर ये सीधा बुना है तो लास्ट में उल्टा आना चाहिए। तो एक सीधा है और एक लास्ट में उल्टा आया है, ठीक है। तो ऐसे फिर जोड़ अच्छा डलेगा। अगर आपने सर्कुलर बनाना है तो आपने, हमने बताया था दूसरी सिलाई पे गोल गोल बना लीजिए, लेकिन हम इस लेगिंग के पैंट के बैक साइड में वो जोड़ डालेंगे इसका, और इसको जब सिलाई करेंगे तो जोड़ डालेगा। तो हम थोड़ा सा बुन के आपको दिखाते हैं कैसे। जी देखिए राजे, ये तो हमारा एक पैर बनेगा पूरा, एक साइड की लेग का है, और जे आसन है, जे आसन इसके साथ डबल होकर जुड़ेगा। तो हम पहले ये बॉर्डर बना लेंगे, बॉर्डर बनाएंगे तो हमारी बॉर्डर में भी अगर इसको इसके साथ सिलेंगे तो जहाँ पीछे भी सिलाई आएगी, इसलिए हमने पीछे सिलाई देनी है कि आगे पीछे का पता चल जाता है कि आगे कौन सा भाग है और पीछे कौन सा है। तो हम ऐसे सिंपल और सीधा ही बनाएंगे, क्योंकि मेरी कई बहनों के पास सर्कुलर सिलाई नहीं है। हमें बहुत लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि ये सिलाई कहाँ से मिलती है सर्कुलर वाली। जे फ्रेंड जो आजकल शॉपिंग करते हैं ना अमेजोन से, अमेजोन जो कंपनी है वहां से ऑनलाइन शॉपिंग होती है, वहां आप सर्कुलर सिलाई, निटिंग सर्कुलर सिलाई लिखकर डालिए, आपको वहां मिल जाएगी, वहां आप ऑर्डर कीजिए। ए 3 का सेट भी आता है, 6 का सेट भी आता है, 11, आपको तो सिर्फ 11, 12 और 10 नंबर ही चाहिए, क्योंकि गला बनाना होता है 12 नंबर पे या 11 नंबर पे बुनना होता है या 10 नंबर पे, तो आपको 3 ही बहुत है। 80 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, और 500 रुपए तक की तीनों ये मिल जाएंगी, और बहुत अच्छी रहती हैं बुनने में। बड़े बड़े स्वेटर गुलाई में बुने जा सकते हैं, कैप बुनी जा सकती है, तो आप वहां से मंगवा लीजिए, क्योंकि हम अलग अलग आपके कमेंट के जवाब देते हैं कि आप वहां से लीजिए, इसलिए हमने आपको बता दिया है। हमने इस पे वीडियो भी अपलोड की हुई है, आप हमारे चैनल पे जाइए और वहां से वीडियो आप देख सकते हैं। वहां और भी एसेसरी है जो कि निटिंग के लिए यूज होती है, तो आप वो मेरी वीडियो सर्च करिए मेरे चैनल पे और देख सकते हैं। तो पहले हम ये बॉर्डर बुनेंगे, बॉर्डर हम
इतना ही बुनेंगे, ठीक है। तो इतना बॉर्डर जब हाफ में आएंगे तो हम दूर दूर पे जाली डाल लेंगे, जिस पे हम जैसे हमने बूट में डाली थी ऐसे होल बनाएंगे, तो उसमें हम डोरी डाल लेंगे। डोरी बहुत प्यारी है, इस डोरी को बनाना भी हम सिखाएंगे बाद में, वीडियो लंबी हो जाती है, और दूसरी डोरी भी बनाना सिखाएंगे। जी देखिए फ्रेंड, हमने इसकी 8 सिलाइयां बुन ली है, हमारी टोटल बॉर्डर की सिलाइयां है 16, तो हमने 8 बुन ली है। 8 सिलाइयां बुनने के बाद अब इसमें हम होल रखेंगे जिसमें हम डोरी डाल लेंगे, हम लास्टिक नहीं डाल लेंगे, हम डोरी डाल लेंगे। तो जे हमारा हाफ है ना, जे हाफ है, इधर दोनों साइड हम ये सिलाई करेंगे जोड़ के। जो जे हमारा हाफ है, जहां से हम 2, 4, 5 फंदे छोड़कर जाली डालेंगे, जहां पे होल डालेंगे, और फिर 2, 4, 5 फंदे जे छोड़े, 2, 4, 5 फंदे जे छोड़ेंगे, और जहां पे होल निकाल लेंगे, तो हमारे बीच के फंदे होल वाले आएंगे। ऐसे आपने गिनती करनी है, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11 फंदे बीच में आएंगे, क्योंकि हमने जो होल है वो बराबर आना चाहिए। तो इस हिसाब से हम 10-10 फंदों के बाद होल डाल लेंगे। तो स्टार्टिंग में हम फिर क्या करेंगे, जैसे स्टार्ट है तो हम होल डालने के लिए, क्योंकि जहां हम सिलाई करेंगे जो बैक साइड आएगी, तो जे हमारी फ्रंट साइड आएगी, तो जहां हमने जितने फंदे हैं उतनी गिनती करनी है 10-10 फंदों की, जो फंदे बचेंगे वहां होल रखेंगे। तो हमने जहां पे 5 फंदे छोड़ने हैं, 2, 4, 5, तो होल रखेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 5, तो 5 फंदे छोड़कर हम होल रखेंगे, ठीक है। एक होल तो हमने जहां होल कैसे बनाना है वो हम आपको बता देते हैं। ऐसे हम थ्रेड घुमाएंगे और 2 फंदों को पीछे की ओर, 2 का 1 जहां होल बन गया। अब हम 10 फंदे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सॉरी हम बॉर्डर भी बनाएंगे, हम बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे, जो हमारा बॉर्डर बन रहा है उसको हम बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए हमने बॉर्डर भी बुनना है और होल भी बनाना है। तो अब हम दोबारा से फंदे गिनेंगे, जहां हम 5 बीच के फंदे को छोड़कर हम 5 फंदे गिनेंगे, 2, 4, 5, जहां होल रखना है, आगे 10-10 फंदों पे रखना है, तो हम 10-10 की गिनती करेंगे। तो हमारे बराबर फंदे आ रहे हैं, हमने 4 फंदे बुने, 2 का 1 किया और होल डाला। अब जैसा फंदा दिखता है वैसा ही हम बॉर्डर बुनेंगे, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, लेकिन हम 10 फंदे बुनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो 9वां फंदा है और 10वां, दोनों फंदों को हम जहीं थ्रेड रखेंगे पीछे और घुमाकर पीछे को 2 का 1 करेंगे, जहां हमने 10वें फंदे पे किया 5वें पे, 2, 4, 6, 8, 8 फंदे बीच में बुने, फिर हमने होल डाला और 1 फंदा बुना, 1 फंदा हम गिनती कर, 10 फंदे हमारे टोटल होंगे। अब आगे फिर हम फंदे गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 फंदे बीच में सिंपल बुनेंगे, जब 2 का 1 करेंगे उसके बाद 2, 4, 6, 8, 8 फंदे। अब हम होल डालेंगे, तो हम ऐसे डबल एक बार ही थ्रेड घुमाएंगे, होल डालेंगे और पीछे को 2 फंदों का 1 करेंगे, ठीक है। आगे फिर जैसा बॉर्डर है वैसा ही बुनेंगे, जे बॉर्डर हम छोड़ेंगे नहीं, बुनते जाएंगे रॉन्ग साइड से, जे बॉर्डर बिल्कुल जब आएगा तो बिल्कुल सेट बैठेगा। तो हम हर
आठ फंदे बुनने के बाद दसवें दो फंदों का एक करेंगे। जी देखिए फ्रेंड, हमने इस होल के बाद जो होल डाला, दो चार छः आठ फंदे बुने, होल डाल लिया तो दो का एक किया था ना, इसको नहीं गिनना है। आगे दो चार छः आठ फंदे उल्टे फंदे तक बुन लिए है ना, आठ। फिर हम पीछे थ्रेड करेंगे और जहां होल डालेंगे दो का एक करके, तो दो दस फंदे टोटल हो गए है ना जहां तक। आगे जो देखिए हमारा हाफ है, हाफ में हमारे पांच फंदे इधर हैं, पांच फंदे इधर हैं, तो हमने क्या करना है जी देखिए आप, जहां पे हमने जहां पे होल डाला है तो हम बीच में फंदे बुनेंगे, एक सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, दो तीन चार पांच। ये देखिए बीच में हमने पांच फंदे बुन लिए हैं, ये हमारा दो का एक था। आगे दो चार पांच, और बीच वाला भी बुनेंगे, एक, फिर पांच फंदे बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच, हाँ चार फंदे। तो हमने जे जहां तक किया, दो चार छः आठ दस फंदे बीच में आए हैं। अब हम जहां पे होल डालेंगे, हाँ दो फंदे और बुने जाएंगे हमारे। जे होल डाला है, दो चार पांच और छः, छः फंदे जे हैं होल डालने के बाद। वैसे जे गिनती टेन में आती है, दो दो चार छः, छठवां फंदा है बीच वाला, दो चार छः, ठीक है। तो बारह तो एक तेरह फंदे हो गए। अब हम होल डालेंगे जहाँ पे बीच में, अब देखिए सीधा फंदा है, आगे का उल्टा है, तो फिर हम इसको भी एडजस्ट करना है ऐसे। इस होल से लेके बीच में हमारा इस होल तक कैसे आएगा, दो चार छः आठ दस ग्यारह और बारह, बारह फंदे बीच में आए हैं। अब हम फिर दस दस पे ही होल डालेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ। जैसे ही आठ फंदे बुनेंगे इसके बाद, आठ फंदे बुनेंगे अब होल डालेंगे, तो ऐसे हम पीछे को दो का एक करेंगे ऐसे, तो हमारा बिल्कुल बराबर आएगा जहां तक ना बराबर। जी देखिए फ्रेंड, हमने इतना बॉर्डर बुन लिया है और होल हमारे आगे हैं बनकर। बैक साइड में भी देखिए ये होल है, और ऐसे आपने होल बनाकर दो इंच बुनना है, दो इंच का बॉर्डर आप बुन लीजिए। उसके बाद अब हमने इसको बाइंड करना है, तो बाइंड कैसे करना है, हम राइट साइड से बाइंड करेंगे, लेकिन हम पीछे को दो का एक करेंगे। फिर थ्रेड इधर डाल, फंदा इधर डाल लेंगे, पीछे को दो का एक करेंगे, फिर थ्रेड डाल लेंगे, पीछे को दो का एक, और थोड़ा लूज रखना है, टाइट नहीं करना है। कई मेरी बहनें ना ऐसे टाइट टाइट बंद करती हैं, तो फिर वो टाइट हो जाता है, तो फिर कहते हैं कि हमारा तो वैसा आया नहीं है। इसीलिए हम बता रहे हैं राजे, आपने बड़े प्यार से दो फंदों को पीछे की और दो का एक करना है, थोड़ा लूज रखना है फंदे को, फिर इधर डालना है, हाथ को भी लूज रखिए ऐसे है ना, ऐसे फिर इसमें डालिए, फिर आराम से कीजिए ऐसे। तो दो दो फंदों का आपने एक करते जाना है, और बहुत ही सुंदर सा बाइंड होगा। जी देखिए कितना लूज है ना स्ट्रिचेबल। तो ऐसे आपने राइट साइड से पीछे को दो दो फंदों का एक करना है, फिर ऐसे रख कर बाइंड करना है, पूरा बाइंड करके दिखाते। जे देखिए फ्रेंड, जे हमारा बनकर रेडी हो गया है। बैक से देखिए, बैक से हमने बराबर सिंपल बुना है, चाहे आप इसको फ्रंट रखिए, चाहे आप इसको, वैसे हम इसको बैक में रखेंगे, ज
ये हमारा फ्रंट होगा। और जब हम इसमें डोरी डालेंगे तो बहुत सुंदर। अगर आप सिलाई, अब इसकी सिलाई करनी है, जैसे ये दो पीस है, इसकी सिलाई करनी है आपस में ऐसे पहले, और फिर इसकी भी सिलाई करनी है। हमने जहां बॉर्डर से लेके जहां तक सिलाई करनी है, फिर इसकी, जैसे हम पैंट सिलते हैं ऐसे ही साइडों की पहले सिलाई कीजिए। इधर तो हमने बॉर्डर बुन लिया है, इकट्ठा कर लिया था, इधर हम बॉर्डर की सिलाई करेंगे, इधर भी करेंगे, उसके बाद दूसरी सिलाई बताते हैं कैसे करेंगे। तो हम पहले इसकी सिलाई करेंगे जो हमारा ये पीस है। जी देखिए फ्रेंड, हम बॉर्डर की सिलाई ऐसे करेंगे, जो हमारी ये चेन है बनती है, इसका फर्स्ट भाग लेंगे और इधर से भी फर्स्ट भाग ही लेंगे, ये वाला ऐसे। अगर आप ऐसे सिलेंगे ना सफाई से, जैसे आपके फंदे आपको दिखे उसी हिसाब से सिलेंगे, तो फिनिशिंग अच्छी आएगी और सिला हुआ बॉर्डर पता नहीं चलेगा। ये देखिए ऐसे बराबर सिलना है, ऐसे हमने उल्टी लाइनों को मिलाना है। जो बीच में हम सिलते हैं उसको सिलकर इन उल्टी लाइनों को भी मिलाना है आपस में, कि लगे नहीं कि सिलाई की है। जैसे ये उल्टी लाइन है, इसका जे वाला पीस लेना है, जो हमें उल्टा दिखता है ना पीस, जे वाला इधर से भी उल्टा दिखने वाला पीस ही लेना है, आपस में सिलना है तो बराबर आएगा। फिर आगे का उल्टे वाला पीस उठाना है जे, और इधर वाला भी उल्टे वाला ऐसे। फिर आगे उल्टी लाइन है उसी को लेना है, फिर आगे इधर वाली उल्टे पीस को लेना है। तो ऐसे हमारा बड़ा शानदार और सफाई से सिला जाएगा। बराबर डिज़ाइन भी मिल गया है, ये देखिए पूरा डिज़ाइन मिला है, ये भी मिलाएंगे तो मिलाकर सिलेंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से इसकी सिलाई होगी। ये देखिए इसकी सिलाई हमने कर दी है, अब आगे की सिलाई करेंगे। ये देखिए हमने जहाँ पे थ्रेड छोड़ दिया था, अब ये वाली सिलाई हम पहले करेंगे, ठीक है, उसके बाद ये करेंगे, वो बाद में बताते हैं, पहले ये वाली सिलाई कर लें। ये देखिए फ्रेंड, जहाँ से हमने कटाई स्टार्ट की थी वहाँ तक ही हम सिलेंगे, फिर हम वापस आ जाएंगे और इसको पक्का कर देंगे, जो सिला है उसको पक्का करेंगे। ये देखिए ये सिल गया है, बैक भी सिल गई है इसकी। अब हमने इनको सिलना है दोनों साइडों से, बस जैसे हम उल्टा करके दिखाते हैं आपको कि हमने कैसे सिलना है। ये देखिए इसको इसके साथ पहले मिलाना है और सिलाई करनी है, फिर इधर को सिलाई करनी है, उसके बाद इधर से इधर को मिलाना है और सिलाई करनी, फिनिशिंग से करनी है। जी देखिए फ्रेंड, ये बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है, सिलाई हमने कर दी है और जे वाली शेप देखिए कितनी अच्छी आई है। जहां से आप चाहे बच्चे को डायपर भी पहनाते हैं तो ये पूरी ठीक आएगी। स्टिचेबल है, बहुत खुलने वाली है, क्योंकि डिज़ाइन ऐसा है इसका, और ऊपर से भी देखिए हमने कितनी लूज बंद की है कि बच्चे को पहनानी सौखी हो जाए, और ये शेप भी बनकर अच्छी आई है, जहाँ से भी ये देखिए कितनी खुली है। तो अब इसमें हम
कोई भी भाग को आप फ्रंट रख सकते हैं, चाहे इसको रखिए, चाहे जहां आपने सिलाई की है। अगर आपने सिलाई की है वहां रखेंगे, और फिर हम जे वाली जो डोरी बना रखी है वो डालेंगे। तो ऐसे हम डोरी जहां से डालते हुए पूरे राउंड में डाल लेंगे, ऐसे जहां जहां हमने होल किए हैं ना, वहां वहां से ऐसे। ये देखिए बराबर होल आए हैं इसके, कोई ये नहीं के आगे या पीछे है, ऐसे। ऐसे हमने इसमें डोरी डाल लेनी है। अभी इसके आगे हम जे लगाएंगे। अभी हमने बनाया है एक, एक और बनाएंगे और फिर इसको लगा देंगे और अच्छे से बांध देंगे। तो ये बनकर रेडी होगी है। अगर आपको अच्छी लगी हो, ये देखिए कितनी लेंथ बनती है इसकी। अगर आप, क्योंकि लूज हाथों से बुनेंगे ना, ये टाइट टाइट करके नहीं बुनेंगे, डिजाइन अच्छे से डालेंगे तो बहुत अच्छी बन के आएगी। तो अगर आपको अच्छी लगे हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज, ठीक है ना। और भी हम नए नए डिजाइन लेके आएंगे आपके साथ, नए नए और स्वेटर बनाएंगे, आपको दिखाएंगे आपके बच्चों के लिए। तो चलिए फ्रेंड, फिर इसको आप बनाइए, क्योंकि जे हमें बहुत फरमाइश आ रही थी कि आप पजामी नहीं बना रहे बच्चे की, पैंट नहीं बना रहे, पैंट आपने अपने चैनल पे एक बार भी नहीं बताई है। तो हमने जे जो पूरा सेट बनाया है, जे देखिए, जे है स्वेटर और जे सॉक्स हैं, सॉक्स में भी हमने जे देखिए डोरी डाली है ऐसी ही, और जे स्वेटर है, जे कैप है। कैप में आप जहां आप वाइट लगा सकते हैं फ्लावर, ठीक है, गोल बनाकर कोई भी ऐसा बनाइए, चाहे दूसरा बनाइए, तो जहां पे आप लगा सकते हैं। पूरा सेट बनकर रेडी हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, हमें लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए।